वेलकम टू हेवनली डिशेस एंड गुरु, मैं ललिता मनोज। आज हम ब्रेड कटलेट की रेसिपी देखने जा रहे हैं। यह कटलेट रोड साइड कटलेट है और बहुत इजीली बन जाती है। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ब्रेड कटलेट के लिए सबसे पहले हमने पीले मटर लिए, जिसको हम गर्म पानी डालकर 4 से 5 घंटों के लिए भिगो लेंगे। उसके बाद में प्रेशर कुकर में डालकर आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर 4 से 5 विजिल आने तक हम इसे पकाएंगे। ब्रेड कटलेट के लिए हमें पानी पूरी का पानी चाहिए। पानी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप पुदीना लिया है, 1/2 कप हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्ची, 1 नींबू जितनी इमली, 1 टीस्पून गुड़, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून सोल्ट पाउडर। अगर आपके पास सोल्ट पाउडर नहीं है तो 1/2 इंच अदरक भी ले सकते हो आप। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक। सबसे पहले हम इमली को भिगो देंगे 10 मिनट के लिए। मैंने इमली में थोड़ा सा पानी डालकर भिगो लिया था, इमली भीग कर रेडी है। अब हम इसमें नमक, सोल्ट पाउडर, काला नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्ची पाउडर, गुड़, आप गुड़ के बदले शक्कर भी डाल सकते हो 1 टीस्पून और स्किप भी कर सकते हो, 4 से 5 हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना। इन सारी सामग्री को हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। मैंने पानी पूरी का मसाला पीस लिया है। अब हम इसमें 2 ग्लास जितना पानी डालकर इसको इस तरह से पतला बना देंगे। आप इसका टेस्ट देख लीजिए, अगर नमक वगैरह कम ज़्यादा लगे तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। मैंने पानी पूरी के मटर को 4 से 5 घंटे गर्म पानी में भिगो कर फिर प्रेशर कुकर में पानी डालकर हल्दी नमक डालकर इसे इस तरह से अच्छे से उबाल लिया है। इस तरह से पहले मैंने 3 विजिल तक इसे हाई गैस पर पकाया है, फिर इसे लो गैस पर 2 सीटी आने तक इसे पकाया है। इस तरह से हमारे बटाने पक जाने चाहिए। गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई पर रखकर इसमें 2 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। थोड़ी सी कैरेट डालकर हिलाएंगे। ये बहुत ही फटाफट बन जाता है। अगर आप पानी पूरी का पानी बना रहे हो और मटर आपके उबले हुए हैं तो आपको 5 मिनट लगेंगे सिर्फ इसे बनाने के लिए। हाफ टीस्पून जितना नमक डाला है, क्योंकि मैंने मटर में भी नमक डाला है और पानी पूरी के पानी में भी नमक है तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसके अंदर हमने जो मटर उबाल के रखे थे वो डालेंगे। इसे एक उबल आने दीजिए। हमारे मटर में अच्छा सा उबाल आ गया। अब हम इसमें पानी पूरी का पानी डालेंगे। इसे हमें पतला रखना है क्योंकि हम ब्रेड डालेंगे तो ब्रेड पानी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है।
इसके लिए हमें थोड़ा गीला रखना है, इस तरह से हमें पतला रखना है। इसे उबाल आने, एक उबाल आने तक उबालना है। हमें रगड़े को एक अच्छा उबाल आने तक एक बार उबालना है। हमारा मटर उबल के रेडी है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें ब्रेड स्लाइस रखेंगे। मैंने इसे रोस्ट नहीं किया है। आप चाहते हो कि आपको रोस्ट करके चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा पैन पे घी डालकर रोस्ट कर भी ले सकते हो। आप ऐसे डायरेक्ट लेंगे तो भी ये अच्छा लगेगा। अब हम इस पर एक गरम रगड़ा डालेंगे। इस पर इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, प्याज बारीक कटा हुआ, कैरेट, बारीक कटे टमाटर, हरा धनिया। आप चाहते हो इसमें 1 टेबलस्पून जितना दही भी डाल सकते हो, और बारीक से हमारे ब्रेड कटलेट रेडी है सर्व करने के लिए। आप ये रेसिपी जरूर से बनाइए और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोलिए कि ये कैसी बनी है।